फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मासूमीज प्लैनेट। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेकर जो कि बहुत एक्साइटिंग है। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ जर्नलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ये करने के लिए मैं बता ही नहीं सकती। सो आज मैं जिस टॉपिक पर जर्नलिंग करने वाली हूँ वो है रेनबो थीम जर्नल। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हाँ, कमेंट्स में मुझे सजेशंस देना कि मैं नेक्स्ट जर्नल कौन से टॉपिक पे बनाऊं। तो चलो हम इस एक्साइटिंग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं यूज करने वाली हूँ ये वाली डायरी जर्नलिंग के लिए। सो पहले मैं स्टिकर्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं स्टिकर्स के स्केच पेंसिल से कर रही हूँ, फिर उन्हें स्केच करके कलर कर दूंगी। के कटआउट निकाल लूंगी। अभी हम जर्नलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मैंने जो रेनबो का स्टिकर कट किया था उसे मैं सबसे पहले चिपका दे रही हूँ। देन आई एम राइटिंग अ कोट विच इज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ, फिर उसे शेडिंग ऐड कर देंगे एंड फिर मैं स्टिकी नोट्स के मदद से एक और कोट लिखने वाली हूँ जो कि है विदाउट डिफरेंट कलर्स लाइफ वुड बी सो बोरिंग। अभी मैं उसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक रेनबो फ्लावर का स्टिकर ऐड कर दूंगी एंड फिर मैं वॉशी टेप कट करके उसके साइड में स्टिक कर दूंगी। अभी मैं नेक्स्ट पेज को जा रही हूँ और वहाँ पे मैं पहले स्टार्ट करने वाली हूँ कलर्स एवरीवेयर लिख के, और मैं कुछ थिंग्स ड्रॉ करूँगी जिसमें सारे कलर्स होंगे रेनबो के। मैं पहले थिंग्स को ड्रॉ करके उनमें कलर्स ऐड करूँगी, डिफरेंट कलर्स। फिर मैंने जो कोट लिखा है कलर्स एवरीवेयर उसे और अट्रैक्टिव बनाऊंगी। फिर मैं दो अलग अलग शेड्स के स्टिकी नोट्स निकाल कर पेस्ट करूंगी और उसके ऊपर मैं एक यूनिकॉर्न ड्रॉ करने वाली हूँ। सो ब्यूटीफुल। साइड में एक कोट लिखने वाली हूँ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड मुझे है ना वहाँ पे थोड़ा जगह खाली लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे और कलरफुल थिंग्स ड्रॉ करने के लिए सोचा। अभी जो लास्ट पार्ट बाकी है वहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ रेनबो एड्स ब्यूटी टू लाइफ। और उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं और भी कलरफुल बनाने वाली हूँ इसको। और इसी के साथ हमारा रेनबो थीम जर्नल फिनिश होता है। एज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है
और आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर ज्यादा से ज्यादा सजेशंस देना कि मैं नेक्स्ट जर्नल कौन से टॉपिक में बनाऊं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।